आसान हो जाता है, समझ ना। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन? देखो होता दोनों में बहुत खास डिफरेंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि जब किसी भी लिक्विड को सर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, बॉईल करके हम बाहर से टेम्परेचर अपनी तरफ से देंगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया मतलब उसको बॉईल कर दिया, उबाल दिया, तो वो वाटर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस क्या है? वेपोराइजेशन है। ये प्रोसेस फास्ट होता है, हम जानबूझ के जल्दी कर रहे हैं, किसी वाटर लिक्विड को या किसी लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से जल्दी, फास्ट करने के लिए बाहर से हाई टेम्परेचर दे दिया। यही प्रोसेस वाटर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है स्पॉन्टेनियसली सेल्फ अपने आप। जैसे इसी मौसम में या किसी भी मौसम में अगर यहाँ पर हम लोग हैं, अगर हमने एक गिलास में पानी थोड़ा सा नीचे गिरा दिया तो कुछ समय बाद 24 घंटे बाद वो पानी अपने आप उड़ के क्या होगा? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन, जो अपने आप होता है। बेसिक डिफरेंस दोनों में बस ये है कि वेपोराइजेशन फास्ट होगा, जानबूझ के हम करते हैं, इवेपोरेशन अपने आप होता है और ये प्रोसेस स्लो होता है, धीरे होता है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब ये बेसिक डिफरेंस इंटरव्यू में बड़े पूछे जाते हैं, जिनको भी लास्ट में केवीएस में इंटरव्यू देना होता है या जो आगे चल के यूपी पीजीटी में भी इंटरव्यू देंगे, तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन? वेपोराइजेशन